तो चुनावी तारीखों के आने की अटकलों के बीच सरगर्मी भी काफी तेज है। देखिए, एक तरफ चुनावी बॉन्ड के आंकड़े आने से नए नए खुलासे हो रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, कांग्रेस ने हमलों की बौछार कर दी है। चुनावी बॉन्ड को भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और वसूली करार दिया है कांग्रेस ने। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 47% से ज्यादा चंदा मिला, दूसरे नंबर पर टीएमसी और फिर कांग्रेस का नंबर आता ही आपको हम दिखा भी रहे हैं। नंबर चार पर कौन है? बीआरएस। बॉन्ड के कुल रकम का 9.5% यानी 1215 करोड़ की रकम इनको ट्रांसफर हुई इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर। नंबर पांच कौन है? बीजेडी, बीजू जनता दल। बॉन्ड के कुल रकम का 6% यानी 776 करोड़ का चंदा रूपी फंड इनमें गया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल पर। और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जिन्होंने ट्रांसफर की है? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर पहला नंबर आता है, कितनी? 1368 करोड़ जिन्होंने ट्रांसफर किए। 5 टॉप कंपनियां जिन्होंने खरीदे ये इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देखिए, इसमें ये भी शामिल है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 966 करोड़ की कीमत है। और ये टॉप 5 में जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और इन्होंने एक तरह से चंदे के रूप में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया रकम। इसमें क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड भी है, इनका तीसरा नंबर आता है, 410 करोड़ की इनकी संपत्ति है। लेकिन ये टॉप 5 में है जिन्होंने चुनावी चंदे के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर यह भेज दिया। अब वेदांता लिमिटेड भी इसमें शामिल है, 400 करोड़। इसी पर कांग्रेस हमलावर है कि सबकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किस मत से दिया गया। अब इसमें हल्दिया एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, कीमत कितनी है? 377 करोड़, पांचवा नंबर इनका आता है। ये जो टॉप 5 कंपनीज हैं जिन्होंने खरीदे हैं बॉन्ड, उनके बारे में ये डिटेल आपको हम दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है, कांग्रेस समेत जो और बड़ी पार्टियां हैं जो विपक्ष के, वो लामबंद होकर अभी हमलावर है। क्या कहना है कांग्रेस का आपको हम सुनवाते हैं। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। अभी देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चुनावी बॉन्ड, बल्ले बल्ले बीजेपी, निश्चित तौर पर सरकार है। लेकिन जो 5 बड़ी खबरें हैं उसको हम बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और फिर मिशन दक्षिण पर, मिशन साउथ पर फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 370 और 400 प्लस अगर एनडीए का टारगेट है तो मिशन साउथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज तारीखों का ऐलान क्या संभव है क्या, ये बीच में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है, तेल का दाम गिरा है। और देखिए, चुनावी बॉन्ड की जो हम बात कर रहे थे कि जो टॉप 5 कंपनीज हैं, किसने कितना चंदा दिया, किसे कितना मिला, ये नंबर 1 बीजेपी, 47% रकम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का इनको मिला, यानी 6061 करोड़ रुपए मिले हैं, इसलिए ये टारगेट पर है। कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल हैं, मोर्चा खोल दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। संजय शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अब ये सब कुछ हिसाब किताब लेखा जोखा सामने आ गया है, अब जरा दर्शकों को ये बताइए कि कांग्रेस समेत जो और विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर क्यों हमलावर है इसको लेकर। ये पहले से ही ये याचिका भी इसीलिए दाखिल की गई थी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी मुख्य दलील यही थी कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 60% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। एक दलील ये भी थी कि इसमें जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वो भी कंपनियां करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर दूसरी पार्टियों को दे रही हैं। और ये भी कहा गया कि सत्तारूढ़ दलों को इतने ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं ताकि वो उनसे फायदा उठा सकें, ठेके ले सकें। वैसे में ये संजय, लेकिन कोई भी पार्टी देखिए तो इसमें दूध की धुली तो नहीं है, क्योंकि रकम ज्यादा और कम तो हो सकती है लेकिन बॉन्ड तो सबको मिले हैं, चंदा सबको मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय।